अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नौशीज़ किचन। अगर आज आपका कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल चाह रहा है तो चलिए आइए बनाते हैं कॉलीफ्लावर मंचूरियन। ये इतने मज़े का बनता है कि आप चिकन मंचूरियन को भूल जाएंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। कॉलीफ्लावर मंचूरियन बनाने के लिए फूलगोभी एक मीडियम लूँगी मैं, चॉप्ड अनियन एक छोटी, शिमला मिर्च है एक छोटी, ग्रीन चिली है एक अदद, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, टमाटो केचप 2 टेबल स्पून और सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी 1/2 टीस्पून। इसके अलावा कॉर्नफ्लावर स्लरी है जो कि हम 1 टीस्पून पानी और कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। इसके अलावा मेरे पास 3 टेबल स्पून मैदा भी है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 लीटर पानी बॉयल करना है जिसमें कि मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है। इस बॉइलिंग वाटर में मैंने फूलगोभी ऐड कर देनी है जो कि सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हम इसको बॉईल देंगे। 2 से 3 मिनट बॉईल देने के बाद हम इसको छान लेंगे और निकाल देंगे, एक साइड पे रख देंगे। चलिए जी, अब हम बैटर बनाते हैं। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 3 टेबलस्पून मैदा और 1 टीस्पून सॉल्ट हम एक ही बोल में ऐड करेंगे और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक थिक सा बैटर बना देंगे। अच्छी तरह इसको आप मिक्स करेंगे कि बिल्कुल स्मूथ सा बैटर हो। और इसमें अब जो हमने बॉयल की हुई कॉलीफ्लावर है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से कोट कर देंगे। अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे अच्छी तरह से गोल्डन होने तक। आपने मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, बस तेज़ आंच पे सिर्फ इसको हमने गोल्डन कर देना है। देखें कितना खूबसूरत सा कॉलीफ्लावर का गोल्डन सा कलर आया है। थोड़ा सा मैं इसको और गोल्डन करूँगी और अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसको हम निकाल के लेटर यूज़ के लिए रख लेंगे। और अब हम आते हैं सॉस बनाने की तरफ। सॉस के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें, इसमें 2 क्लोव्स गार्लिक के ऐड करें। हल्का सा 10 सेकंड्स के लिए इसको आपने फ्राई करना है, एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो इसमें अब हम प्याज ऐड कर देंगे बारीक बारीक चॉप की हुई। इसको भी 10 सेकंड्स के लिए कुक करना है कि हल्की सी नरम हो जाए। अब इसमें मैंने ग्रीन चिलीज ऐड कर दी हैं, वो भी बारीक चॉप की हुई। थोड़ा सा कुक करेंगे और अब इसमें मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर दूंगी। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर दिया है मैंने। सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून। और अब सॉसेस की बारी है। सोया सॉस ऐड किया है, चिली सॉस ऐड करूंगी और टमाटो केचप ऐड करूंगी। आपको अगर ज़्यादा थोड़ा सा मीठा मीठा पसंद है तो थोड़ा सा टमाटो केचप ज़्यादा कर लीजिए। इसको एक अच्छा सा हल्का सा मिक्स दे दें, थोड़ा सा कुक करें इतना कि ऑयल सेपरेट हो जाए सॉसेस में से, सॉसेस कुक हो जाएं। अब इसमें मैंने 1/2 कप वाटर ऐड कर देना है और वाटर ऐड करने के बाद एक अच्छा सा इसको बॉईल देना है हमने। फौरन ही बॉईल आना शुरू हो जाएगा और जैसे ही बॉईल आ जाए आपने इसमें कॉर्नफ्लावर स्लरी यानी कि कॉर्नफ्लावर मिक्सचर जो पानी के साथ हमने बनाया था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इससे जल्दी से ही हमारी जो सॉस है वो थिक हो जाएगी। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और अब हमने इसमें अपनी बॉईल कॉलीफ्लावर ऐड कर देनी है और बहुत अच्छा सा इसको हमने मिक्स देना है कि अच्छी तरह से फूल गोभी कोट हो जाए और हमारी मज़े की कॉलीफ्लावर मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।